हेलो फ्रेंड्स, टू क्विट और नॉट टू क्विट जॉब, लाखों आईएएस एस्पिरेंट्स के मन में ये एक सवाल जरूर आता है कि क्या उन्हें अपनी जॉब के साथ साथ आईएएस की तैयारी करनी चाहिए या जॉब छोड़ने के बाद। देखिए, दोनों ही केसेस में रिस्क इन्वॉल्व्ड है। 100% आपका रिस्क फ्री डिसीजन हो जाए तो वो तो हो नहीं सकता, क्योंकि हर एक केस के अपने प्रोज हैं, अपने कॉन्स हैं, यानी कि कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। लेकिन इन सभी को जानने के बाद ही आपको अपने लिए एक बेस्ट डिसीजन लेना है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक पॉइंट्स जिनसे आई होप आपको एक क्लैरिटी मिलेगी और आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ सकेंगे। स्वागत है आप सभी का प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम रिया है और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मोस्टली देखा जाता है कि स्टूडेंट्स अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योर करने के लिए जॉब करते हैं, लेकिन साथ ही आईएएस बनने का ड्रीम भी रखते हैं। क्या सैलरी जॉब छोड़ दी जाए या नहीं, ये एक सवाल सभी के लिए बहुत स्ट्रेसफुल होता है। सबसे इम्पोर्टेंट थी आपके पास होता है एक बेटर वर्ल्ड व्यू, साथ ही आपका मैच्योरिटी लेवल और प्रोफेशनलिज्म भी बाकी कैंडिडेट से ज्यादा होता है। इससे आपको इंटरव्यू राउंड में काफी बेनिफिट मिलता है और आप अपनी अर्निंग्स को सेव कर सकते हैं। आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी बनी रहती है और आईएएस के सक्सेस रेट को तो आप जानते ही होंगे कि इसमें बहुत कम सक्सेस रेट है, तो आपके पास एक बैकअप ऑप्शन होना कहीं ना कहीं बहुत जरूरी होता है। तो आपकी जॉब अगर आपके पास है तो आप सिक्योर्ड फील करते हैं। सेकंड, अगर हम बात करें दूसरे पहलू से कि क्या है डिसएडवांटेजेस ऑफ डूइंग जॉब ड्यूरिंग आईएएस प्रिपरेशन, तो देखिए मोस्टली 9 to 5 जॉब्स के हेक्टिक शेड्यूल के बाद मेंटली और फिजिकली एग्जॉस्टेड फील करते हैं और इसी के चलते पढ़ने का मन नहीं करता। साथ ही जॉब या स्टडीज आप किसी एक के साथ कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं और इसी के चलते आप सैटिस्फाइड फील नहीं कर पाते। तीसरा, हम जानेंगे जॉब छोड़ने से आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। देखिए, इस तरह आप अपनी एग्जाम प्रिपरेशन पर अच्छे से फोकस कर सकेंगे और आपकी अटेंशन कहीं और डाइवर्ट नहीं होगी। आप अपने अकॉर्डिंगली सेल्फ स्टडी कर सकती हैं और चाहे तो कोचिंग भी ज्वाइन कर सकती हैं। और एक थ्योरी ये भी कहती है कि अगर आप एक प्लान बी रख लेते हैं तो आप प्लान ए पर फोकस नहीं कर पाते। कुछ लोग इसी के चलते अपनी जॉब छोड़ देते हैं ताकि उनका सारा फोकस आईएएस एग्जाम पर रहे, लेकिन ये सबके लिए वेरी कर सकता है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपका कैसा नेचर है। उसके बाद आइए अब हम बात करते हैं दूसरे एंगल से कि इसमें जॉब छोड़ने के क्या नुकसान रहने वाले हैं। जॉब हमें देखिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देती है, साथ ही हम एक रूटीन फॉलो करते हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाते हैं और अगर आप आईएएस अटेम्प्ट क्लियर नहीं कर पाते तो एट द एंड ऑफ द डे अपनी जॉब कंटिन्यू भी कर सकती हैं। सो फ्रेंड्स, आप इन सभी पॉइंट्स को समझने के बाद अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करें कि आपके लिए किस डिसीजन के प्रोज उसके कॉन्स से ज्यादा है, यानी कि किसमें ज्यादा फायदे हैं और किसमें ज्यादा नुकसान है। ये हर इंडिविजुअल की पोटेंशियल और उसके नेचर पर डिपेंड करता है, लेकिन अगर आपने जॉब छोड़ने का मन बना ही लिया है तो कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें जरूर याद रखें। सबसे पहला ये कि आप खुद से श्योर हैं या नहीं कि आपको आईएएस ही बनना है। अपनी फैमिली या सोसाइटी के प्रेशर में आकर कोई भी डिसीजन ना ले, वरना आप जॉब छोड़ने के बाद इस डिसीजन को रिग्रेट करने लगेंगे। अपने करियर में अगर आईएएस नहीं तो दूसरा क्या ऑप्शन आप चूज करेंगे वो भी क्लियर कर लें। अपनी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन पर भी जरूर ध्यान दें कि आप प्रिपरेशन के दौरान किस तरह से अपनी फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल करेंगे। एक सेट प्लान जरूर बनाएं। इसके साथ ही जिन भी लोगों ने यूपीएससी एग्जाम जॉब करने के साथ साथ ही क्लियर किया है उनसे आप जरूर डिस्कस करें, उनके एक्सपीरियंसेस सुनने से और समझने से आप काफी कुछ जान सकेंगे। ये एक बहुत क्रूशियल डिसीजन है, इसलिए जल्दबाजी में या किसी भी प्रेशर में आकर कोई भी डिसीजन ना लें। आपकी इनर कॉन्शियस आपसे क्या कह रही है उस पर ध्यान देकर ही ये डिसीजन लें
और एक बार अगर आपने डिसीजन ले लिया फिर उसी पर अड़े रहें और हर दिन बस अपने आईएएस बनने के गोल्स के लिए एफर्ट लेते रहें, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आप इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें और देखते रहें प्रभात एग्ज़ाम। धन्यवाद। UPSC की प्रीलिम्स परीक्षा में गारंटीड सक्सेस के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है UPSC 26 वर्षों के टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स। IAS डॉक्टर मनीष रंजन की इस बुक में है एक्सप्लेन्ड आंसर्स और ट्रेंड एनालिसिस। इसके साथ ही जरूर पढ़ें UPSC CSAT जिसमें है पेपर 2 के 2011 से 2020 के सॉल्व पेपर्स। ये दोनों बुक्स इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। आज ही ऑर्डर करें ऑनलाइन अमेज़न या फ्लिपकार्ट से और क्रैक करें UPSC एग्जाम।